हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जून मंथ के डेज और थीम्स डिस्कस करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। इसका जो थीम है ड्रिंक मूव बी स्ट्रांग, ये इसका थीम है। तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है 1 जून को और ये 2001 से ये दिन मनाना स्टार्ट किया गया और इसको जो ऑर्गेनाइज करता है वो FAO करता है, जो द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर रोम वियना में है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ये 1 जून को मनाया जाता है। ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को एक पॉजिटिव वे में डेवलपमेंट कराएं, 1 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड साइकिल डे। वर्ल्ड साइकिल डे 3 जून को मनाया गया। ये पहली बार मनाया गया 12 अप्रैल 2018 को यूनाइटेड नेशन द्वारा इसको अप्रूव किया गया टू रेज अवेयरनेस अबाउट द मल्टीपल सोसाइटियल बेनिफिट्स, यानी एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि सोसाइटी बेनिफिट्स के लिए, जैसे यूजिंग द साइकिल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड लीजियर। तो वर्ल्ड साइकिल डे 3 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 4 जून से 8 जून तक मनाया गया, जो RBI द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका जो थीम है कस्टमर प्रोटेक्शन, यानी बैंकिंग से रिलेटेड जो कस्टमर के प्रोटेक्शन है उन चीज़ों से रिगार्डिंग कस्टमर को अवेयरनेस करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी भी चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है और इसका जो थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इसका जो थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसमें ये अवेयरनेस किया जाता है कि आप अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट और कैसे सेफ रख सकते हो। नेक्स्ट है वर्ल्ड ओशियन डे, जो 8 जून को मनाया जाता है। इसका जो थीम है प्रिवेंटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड एनकरेजिंग सॉल्यूशन फॉर ए हेल्थी ओशियन। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये 12 जून को मनाया जाता है। इसको ऑर्गेनाइज करता है यूनाइटेड नेशन। जो बच्चे चाइल्ड हैं, जो उनसे चाइल्ड लेबर कराई जाती है, तो उसके अगेंस्ट ये दिन मनाया जाता है कि उन बच्चों का एक फ्यूचर प्रोटेक्ट करें और चाइल्ड लेबर से दूर करें और उन्हें एजुकेशन की ओर अग्रसर करें। तो ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये 12 जून को मनाया गया और इसका जो थीम है जनरेशन सेफ एंड हेल्थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये 14 जून को मनाया जाता है और इसका जो थीम है गिव ब्लड सेयर लाइफ, यानी खून दो और लाइफ को बचाइए। 14 जून को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन भी मनाया जाता है। अगला है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ये 15 जून को मनाया गया। इसका जो थीम है मूविंग फ्रॉम अवेयरनेस टू एक्शन थ्रू अ ह्यूमन राइट्स बेस्ड अप्रोच, ये 15 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, ये 16 जून को मनाया गया। इसका जो मेन पर्पज है कि जो फैमिलीज हैं अपनी एक फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए इस डे को मनाया जाता है, जिसमें जो फैमिलीज आउट ऑफ कंट्रीज जाती हैं एज अ अर्निंग्स के लिए, एज अ करियर के लिए, वहाँ जाके जो स्टे करते हैं एज अ अर्निंग या फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, तो ये उन लोगों के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 जून को वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ, ये मनाया गया 17 जून को और इसका जो थीम है लैंड हैज ट्रू वैल्यू इन्वेस्ट इन इट, यानी लैंड एक ट्रू वैल्यू है जहां हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो डेजर्टिनेस है या जो ड्रॉथ है उसके अगेंस्ट मतलब कॉम्पैक्ट करना, तो ये जो डे है ये 17 जून को मनाया जाता है। अगला है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ये 20 जून को मनाया जाता है और इसका जो थीम है नाउ मोर देन एवर तो वी नीड टू स्टैंड विद रेफ्यूजीज। नेक्स्ट है 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है और इसका जो थीम है यानी 2018 का योगा फॉर पीस, योगा फॉर पीस। तो इसका जो मेन जो कार्यक्रम हुआ था वो देहरादून उत्तराखंड में हुआ और ये चौथी बार इस डे को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट है वर्ल्ड म्यूजिक डे, ये भी 21 जून को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल विडोज डे, ये 23 जून को मनाया गया, जो यानी अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, जो लेडी विधवा हैं उनके संदर्भ में इस दिन को मनाया जाता है। उनके क्या राइट्स हैं, उनको क्या अधिकार दिए जाते हैं, तो उनसे संबंधित जो विडोज लेडी हैं उनको अवेयरनेस किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग,
यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो ड्रग एब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग के लिए उसके अंगिष्ट में मनाया जाता है। तो ये 26 जून को, यानी जो लोग ड्रग्स एब्यूज हैं या ड्रग्स ट्रेड में इन्वॉल्व हैं उन लोगों को उसके अंगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है MSME डे, ये 27 जून को मनाया गया। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसका जो थीम है द यूथ डायमेंशन। हम MSME की बात करते हैं तो इसके जो मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ये 29 जून को मनाया जाता है एवरी ईयर, और इसका जो थीम है क्वालिटी एश्योरेंस इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे, ये 30 जून को मनाया जाता है। एस्ट्रॉइड डे मतलब जो एस्ट्रॉइड होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में वो नीचे गिरते हैं उसके संदर्भ में, या उनसे क्या प्रोटेक्शन करनी है, या उसका क्या यूज है, या क्या उसके हार्म्स कॉज हैं, उससे रिगार्डिंग को मनाया जाता है। यानी इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे 30 जून को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यही थे जून मंथ के डेज विद थीम्स। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चंस जो कमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।